इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में दो इंजीनियरों की हत्या और एक डॉक्टर के घर फायरिंग से कटघरे में आई सरकार के मुखिया नीतीश कुमार। आज पुलिस के आला अधिकारियों पर जमकर बरसे। कानून व्यवस्था पर बुलाई हाई लेवल मीटिंग में नीतीश ने अफसरों को फटकार लगाई और कुछ अफसरों को मीटिंग से बाहर भी कर दिया। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ते देख मुख्यमंत्री ने कई अफसरों को डांटा और उसके बाद कई अफसरों को मीटिंग से बाहर भी कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के निशाने पर इस वक्त है नीतीश सरकार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जंगल राज की वापसी हो गई है। जिस तरह से ये अपराध देखने को मिला है, दिन दहाड़े दो इंजीनियरों को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और कई अधिकारियों की आज क्लास लगाई नीतीश कुमार ने। हाई लेवल मीटिंग थी ये, कुछ अफसर इस मीटिंग से बाहर भी कर दिए गए। उनके साथ दरअसल ये मीटिंग मुख्यमंत्री ने इसलिए बुलाई क्योंकि वो जानना चाहते थे कि किस तरह की आखिरकार कानून व्यवस्था है बिहार में। बिहार के डीजीपी का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए। अपराध कर गए हैं, ये हम नहीं मानते, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर जो अपराधी इसके लिए इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई चलेगी। निर्माण कंपनियों की सुरक्षा के लिए बैठक कर रहे हैं, निर्माण कंपनियों के साथ उनके साथ देखिए, जिला स्तर पर बैठक करने के लिए कहा गया है अलग अलग, और गोपनीय रूप से जानकारी भी प्राप्त करने के लिए कहा गया है, सारी कार्रवाई हो रही है। निर्माण कंपनियों को सुरक्षा का आश्वासन आपकी तरफ से? निश्चित रूप से वो सामने आए, सुरक्षा मांगेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें दी जाएगी। अपराधी घटना में बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी नहीं है, आंकड़े वो नहीं प्रमाणित करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो दो तीन घटनाएं हुई है, ठीक है, वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उन सभी घटनाओं में कार्रवाई होगी। जितनी भी बैंक डकैतियां थी, एक को छोड़कर शेष सभी में अपराधी पकड़े गए हैं, पैसे की भी रिकवरी हुई, जो भी अपराध हुए हैं सभी में कार्रवाई हुई है। और मैं आपको जरूर ये विश्वास दिलाता हूं इस मामले में भी ठोस कार्रवाई। तो बिहार के डीजीपी ये कह रहे हैं कि आंकड़े ये प्रमाणित नहीं करते कि वारदातों में इजाफा हुआ है। हालांकि जो हाल ही में मामले हुए हैं उनमें कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बैंक डकैती को छोड़कर बाकी सभी वारदातों में अपराधियों को पकड़ लिया गया है। इस वक्त भी जब मीटिंग बुलाई गई, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की, उसके बाद ये कहा गया कि जिला स्तर पर मीटिंग बुलाई जाए और ये समीक्षा की जाए कि आखिरकार इस इंजीनियर हत्या मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक अपराधी को अभी तक पकड़ा गया है लेकिन बाकी फरार हैं। कानून व्यवस्था की हालत पर मुख्यमंत्री ने वहां के अफसरों से जवाब मांगा है। साथ ही ये भी कहा गया डीजीपी की ओर से कि आंकड़े प्रमाणित नहीं करते कि किसी भी तरह से बिहार में इस वक्त आपराधिक गतिविधियों का या फिर आपराधिक मामलों का इजाफा हुआ है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई थी और अब ये कहा गया है कि सभी पुलिस अधिकारी जिला स्तर पर मीटिंग करें और इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लें और अपराधियों को पकड़ें। एक एक तस्वीर, एक एक राज, पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है, सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे